व्हाट्सअप बॉयज, कैसे हैं आप सब? बैस और वेल, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ अपनी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में। आप लोगों को एक चीज बताते चलूं, ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करके मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आप मार्केट के अंदर इजिली पैसा बना सकते हैं। इन स्ट्रेटजीज को छोड़ दें, अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियो बनाओ, मैं स्ट्रेटजीज के ऊपर भी बनाऊंगा। वी आर एक्टिव नाउ ऑन यूट्यूब। आपको पता है पहले मैं डेली वीडियो अपलोड करता था, लाइव आता था, लेकिन आजकल मैं जरा बिजी था तो इस वजह से मैंने कहा यार अब अगेन स्टार्ट करते हैं। 4:30 बजे हम डेली लाइव भी आएंगे यूट्यूब के ऊपर और हम बात करते हैं सिंपल प्राइस एक्शन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने एक चार्ट ओपन है जिसको हम कर लेते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम हम हटा देंगे, कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता मैं, सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर वर्क करो और पैसा बनाओ, साइकोलॉजी अपनी बनाओ। साइकोलॉजी के बारे में वीडियो आएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम अपना एक जोन लगा लेते हैं एक हाई के ऊपर। सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी, ऑर्डर ब्लॉक हम यूज नहीं करते। ये डिमांड सप्लाई को आजकल के लोग कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, एसएमसी वाले, आईसीटी वाले, बट मैं ऑर्डर ब्लॉक ही यूज करता। मैं आपको जैसे कि टिकटॉक के ऊपर भी बताता रहता हूँ कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ये सब चीजें कॉपी है, ठीक है। प्राइस एक्शन की सब चीजें कॉपी है। प्राइस एक्शन वो चीज है जिसके ऊपर स्ट्रेटजीज जो है वो बेस करती हैं। तो आप लोगों को मैं बताता चलूं, यहाँ पे हमने एक जोन लगा लिया, ठीक है, इस एरिया में एक जोन लगा लिया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि लास्ट टाइम भी मार्केट जो है वो इसी एरिया से गिरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी इस एरिया के ऊपर मार्केट ने सर्कुलेशन दी हुई है और यहाँ पे भी इसी एरिया पे रिटेस्ट करके नीचे आई हुई है। तो इसी तरह हम यहाँ पे जोन लगा लेते हैं। हमेशा आपने मार्केट को जब भी एनालाइज करना है हमेशा देखना है यहाँ से मार्केट या तो बहुत ज्यादा गिरी भी हो या तो बहुत ज्यादा चढ़ी भी हो, उन एरियाज के ऊपर जोन लगाना है। मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाता, मैं डिमांड सप्लाई पे ही वर्क कर रहा होता हूँ। और जो बंदा डिमांड सप्लाई की स्ट्रेटजी समझ जाए उसके लिए पैसा कमाना मार्केट में मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे मुझे एक जोन यहाँ पे भी बनता हुआ नजर आ रहा है। क्यों बनता हुआ नजर आ रहा है? ये एरिया मार्केट इस एरिया से मार्केट जो है बार बार बाय का मूव दे रही है। तो सिंपली मैं इन एरियाज के ऊपर भी अपना एक जोन लगा लूंगा। डिमांड एंड सप्लाई की एक सिंपल सी फिलॉसफी है, जब एक चीज की डिमांड ज्यादा होती है तो वो ऊपर जाती है, जब एक चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली डाउन आ जाती है। यहाँ पर भी हमारा एक जोन आ गया, इसको हम देखेंगे हाई से लेके लो तक लगाएंगे, ठीक है। इस लो तक हमने, अब ये लो हमने क्यों नहीं क्लियर किया? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सारे लोस क्लियर है, एक लो से हमें कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। और ये वाला एक एरिया आ जाता है मार्केट में, इस एरिया को हमने सिंपली जो है वो लगा लिया और इससे ज्यादा नीचे जाने की हमें जरूरत है, हाँ इससे ज्यादा नीचे भी हम जा सकते हैं। ये एरिया आ गया हमारा सिंपली, यहाँ से मार्केट गिरी हुई है, यहाँ से गई ऊपर गई हुई है, फिर इसी एरिया से ऊपर गई हुई है, फिर अगेन इसी एरिया से ऊपर गई हुई है। तो सिंपली यहाँ पे हम लगाएंगे जो एक जोन हमने यहाँ पे लगा दिया, हमारे जोन जो है वो क्लियर हो गए। जोन क्लियर होने के साथ अब हमने यहाँ पे ट्रेंड ढूंढ रहा है। प्राइस एक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मार्केट का ट्रेंड फाइंड करने के लिए ट्रेंड ढूंढना पड़ता है। ट्रेंड वाली वीडियो नहीं अगर आपने देखी तो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई, जाके आप देख सकते हैं। जब आप ट्रेंड फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमें इस टाइम यहाँ पे अप पे ट्रेंड नजर आया सिंपली, ठीक है, यहां तक सिंपली हमें अप पे ट्रेंड जो है वो नजर आया। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि हम नेक्स्ट मूव कैसे मैयर करेंगे। मैं ये नहीं पिछले मूव नहीं आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं नेक्स्ट मूव मैयर करने का आप लोगों को तरीका बताऊंगा। अब मार्केट आई रीटेस्टिंग की, फिर ऊपर गई, फिर रीटेस्टिंग थी। अब जब तक मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक ऊपर की तरफ नहीं करेगी तो ये ऊपर नहीं जाएगी, और मुझे नहीं लग रहा कि इस जोन को ये ब्रेक करेगी तो ये यहाँ से नीचे आ जाएगी। हमेशा मार्केट के अंदर आपने जो है डिमांड सप्लाई के दरमियान में कभी ट्रेड नहीं करनी, हमेशा आपने देखना है कि मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई के अपसाइड ब्रेकआउट पे या डाउन साइड ब्रेकआउट के ऊपर आपने हमेशा ट्रेड लेनी है। सिंपली द थिंग इज के अगर आप लोग एक चीज को लेके चलते हो अच्छे तरीके से तो आप लोग मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज्यादा बना सकते हो। यहाँ पे लोग आप लोगों को ये तो कहते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर जाओ, लेकिन आपको वो स्ट्रेटजीज पैसा बना के नहीं देती।
अगर मुझे कहोगे तो मैं डिमांड सप्लाई के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। मुझे एक चीज की पिक चाहिए कि आप लोग मुझे ये चीज कहो कि इस चीज को बनाओ। साइकोलॉजी आपकी खुद ब खुद बन जाएगी। अब मैं साइकोलॉजी कैसे बनाता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी ऐसे बना रहा होता हूँ कि मैं उनको एक चीज की साइकोलॉजी बनाता हूँ, बताता हूँ। अब टोटली ट्रेंड हर कोई बता रहा है, ट्रेंड जिस तरह ऊपर जा रहा होता है, लेकिन हर एक हायर हाई और लोअर लो की डिफरेंट साइकोलॉजी है, ठीक है। हर एक जो है वो डिफरेंट कैंडल्स मूव करते हैं, उन कैंडल्स को आपको रीड करना पड़ता है। ये साइकोलॉजी सिर्फ हवा में छोड़ी हुई चीज नहीं होती, साइकोलॉजी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है, प्रॉपर आपकी दिमाग की गेम होती है। यहाँ पे हमने सिंपल लगाया, अब हम देखेंगे यहाँ से मार्केट ने अगर यहाँ से वापस हमें सेल का मूव देती तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे की ट्रेड ले लेंगे। सिंपली दी थिंग इज कल मार्केट के अंदर न्यूज थी, मार्केट ने बाय का मूव दिया, लेकिन अभी मार्केट बाय ट्रेंड में है। लेकिन मार्केट एक ट्रेंड के अंदर नहीं रहती। आप लोगों ने ये तो सुना होगा, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, सुना है ना। बट ट्रेंड ने कभी कभी बदलना है, जैसे कि आप लोगों के दोस्त बदल जाते हैं, यू नो स्नेक्स, इसी तरह ट्रेंड ने भी हमेशा एक नहीं रहना, उसने भी बदलना है, उसने भी मार्केट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मूव देने हैं। एंड देन मार्केट गोन फॉल डाउन और गोन अप, ये बात का डिसीजन है। पहले आपको मार्केट को एनालाइज करना आना चाहिए। जिस दिन आप मार्केट को एनालाइज करना सीख गए, उस दिन आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर मैं आप लोगों को वीडियोस बना के देता रहूंगा, नेक्स्ट डेली वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं डेली गोल्ड के एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बट मैं चाह रहा हूँ मैं कोई डिफरेंट चीज लेके आऊँ जिससे लोगों को अवेयरनेस हासिल हो, ना कि लोगों को कुछ ना पता चले। इसी तरह आप लोगों के सामने ये मैंने प्राइस एक्शन की एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी जो है वो आपको दी है, ठीक है। डिमांड सप्लाई स्ट्रेटजी कह लें इसको, तो इस स्ट्रेटजी के ऊपर भी आप लोग अगर वर्क करते हैं तो आप लोग अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।